अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। हज़रात, जैसा कि आपने सुना कि किस तरह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत वालों ने हमारे मुबल्लिगीन पर हमला किया है, और ये नई बात नहीं है। हर स्टेट में इनके ब्रांचेस हैं, और जहां भी मुबल्लिगीन जाते हैं तो वहां पर इसी तरह के हमले होते हैं, केस दर्ज किया जाता है। और ये मुबल्लिगीन, हालांकि मेराजुल्ला बेग साहब मुबल्लिग इस्लाम, आप बीटेक इंजीनियर हैं, लाखों रुपए तनख्वाह को छोड़कर आपने दीन इस्लाम की खातिर फ़खीर इख्तियार की है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक ऐसी खानखा है जहां पर ना इमाम को तनख्वाह है, ना मौज़न को तनख्वाह है, ना मुबल्लिग को तनख्वाह है। 60-70 ऐसे मुबल्लिगीन हैं हमारे पास जो आला तालीम याफ्ता है, जो बीटेक इंजीनियर्स है, एमटेक इंजीनियर्स है, एलएलबी है, 1-1.5 लाख तनख्वाह को छोड़कर दीन इस्लाम की खिदमत के लिए लगे हुए हैं, और हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, मंदिरों में, मठों में, चर्चों में जा कर के इस्लाम के पैगाम को अहसन अंदाज से पेश करते हैं। हमारा काम, आवर एम इज़ टू यूनाइट ऑल रिलीजन्स, हमारा काम सबको एक करना है, मोहब्बत पैदा करना है। ये इदारा 100 साल से गैर अक़वाम में मोहब्बत पैदा कर रहा है, और मुसलमानों में हम इत्तेहाद पैदा करते हैं। हम ये कहते हैं कि फ़िरक़ेबाज़ी को ख़त्म करो, फ़िरक़ेबाज़ी को बालाए ताक रख दो, और सब एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि इत्तेहाद ज़िंदगी है और इंतशार मौत है। तो ये हम हमेशा लोगों को बोलते रहते हैं, लेकिन ऐसी मुखलिस जमात के ऊपर ऐसे हमले बार बार हो रहे हैं। न सिर्फ ये, बल्कि ये लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं मुसलमानों के पास, ये बोल रहे हैं कि ये लोग काफिर हैं, इस्लाम से खारिज हैं। भाई, आपको कौन हक़ दिए ये? किसी मुसलमान को काफिर कहने का हक़ आपको कौन दिए? जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन कफरा मुस्लिम फहुवा काफिर, जो किसी मुसलमान को काफिर कहता है तो फिर ये कुफ्र उसके ऊपर लौट के आता, वो खुद काफिर है। और सरकार फरमाते हैं कि ला तुकफ्र अहले क़िबला, जो क़िबले की ताज़ीम करता है या क़िबला रुख होकर नमाज पढ़ता है उसको भी तुम काफिर मत बोलो। और सरकार फरमाते हैं कि मन सल्ला सलातिना मन अकला ज़बीहतना बाफ़ज़ालिकल मुस्लिम, जो हमारी तरह नमाज पढ़ता है, हमारी तरह ज़बीहा करता है, उसको तुम काफिर मत बोलो। और अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है वला तखुलु लिमन अलखा इलैकुम सलाम रस्ता मोमिन, जो तुमको सलाम कहे तुम उससे हरगिज ये मत बोलो कि तुम मोमिन नहीं है। बल्कि तो गर्ज के वीडियो हमारे खिलाफ़ बना के डाल रहे हैं, बोले कि ये लोग जो ना खातमुन नबीन बोल रहे, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत ख़त्म है बोल रहे, मगर आखिरी नबी नहीं बोल रहे। अरे भाई, हम 100-1 करोड़ बार बोलते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आखिरी नबी है, आखिरी नबी है। अब क्या दिल चीर के बताना आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है? ये हमारे अकायद है, ये अकायद जो है हम आज से नहीं बल्कि 1929 से ये अकायद पेश करते आ रहे दुनिया के सामने। हमारे अकायद में एक मरतबा पढ़ के आपको सुना देता हूँ, ये नए अकायद छपते आ रहे हैं, ये आज की बात नहीं है। आज आप कुछ कर रहे हैं इस वास्ते हम बोल रहे, ऐसा नहीं है। देखिए, आप हजरत जो आले रसूल है, सैयदुस सादात है हमारे, हजरत नजीबुत तरफन है, हजरत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला, वो चंद बसवेश्वर क्या है, वो गैर अक़वाम में तबलीग करने का फलसफा अलग है। इंशाल्लाह कभी आप, दो गेटें खुले हैं हमारे, हम कोई अमेरिका में लंदन में नहीं है, आप दो गेटें खुले हैं आसिफ नगर में, आपको बहस करना है, बात करना है, आइए हम बात करेंगे, बैठ के जो भी इख्तलाफ है उसको दूर करेंगे। तो इस तरह यहाँ पर हम ऐलान कर रहे हैं कि हम अल्लाह को वादहुल्लाह शरीक मानते हैं, हम हज़रत मोहम्मद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन मानते हैं, आखिरी नबी मानते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुद्दई नबूवत को काफिर, कातिब और दज्जाल समझते हैं। हज़रत मौलाना सिद्दीक दीनदार साहब क़िबला का दावा उलूहियत है,
ना नबुवत है, ना मसीहत है, ना महदियत है, ना कभी किया गया और ना आइंदा किया जाएगा। हम अहले सुन्नत वल जमात और हनफी मसल है। हम हर फिरके के बुजुर्ग का दिल से एहतराम करते हैं। हम हर फिरके के बुजुर्ग का दिल से एहतराम करते हैं। हम हुजूर सरवर आलम सासम पर ईमान लाने के बाद और किसी पर ईमान लाना मध्य फजूल समझते हैं। हमारा काम गैर अक्वाम में तबलीग इस्लाम है। हम मुसलमानों में किसी किस्म के दावे को जलालत और गुनाह अजीम समझते हैं। हमारा काम मुसलमानों में सिर्फ वलवले तबलीग पैदा करना है। ये कब से 1929 से हम ये ऐलान करते आ रहे हैं। और हज़रत साहब फरमाते हैं कि नबी अगर कोई खुद को समझा हुआ है या उसने नबूवत का दावा किया है, रसूल खुदा ने यह फतवा दिया है, वो काफिर है, कादिब है, दीवालिया है, कि शैतान ने दामन में उसको लिया है या इबलीस मर्दूद उसका पिया है। रब अहमद ने कहा, ऐ मेरे प्यारे अहमद, आपकी ज़ात का इनकार कोई कर देगा, हम कलामी ना करूँगा मैं कभी उस बद से, मैं मोहब्बत की निगाहों से नहीं देखूँगा। बात तेरे जो कोई दावे नबूवत कर दे, मैं उसे जिंदा नहीं रखूँगा, मरवा दूंगा। आप बोल रहे खादियानी है, अरे भाई जब खादियानी ऐलान करें ना, आप पेपर में देख लीजिए उसकी कटिंग है, खादियानी बोल रहे हैं दीनदार अंजुमन का हमारे से कोई लेना देना नहीं है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। ये कौन बोल रहा है? खादियानी ऐलान करें, पेपर की कटिंग हमारे पास आए, आप देख सकते हैं। आप बोल रहे हैं हम खादियानी है, खादियानी से आपको मुंसलिक कर रहे हैं। हम हरगिज खादियानी नहीं है। खुद खादियानियों का ऐलान है कि दीनदार अंजुमन का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बताइए आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ये सूफी जमात है जिनका काम गैरों में है, मुसलमानों में नहीं है, और हमारा कोई फिरका नहीं है। हम अपने आप को मुसलमान बोलते हैं और हर फिरके के बानी का दिल से एहतराम करते हैं हम लोग। तो बहरहाल हम आज वक्त का तकाजा है, हमारे मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत के भाइयों से भी हमें गुजारिश करते हैं कि आप खुले दिल से आप आइए, खानखा को आइए, हमसे बात कीजिए, क्योंकि कुरान करीम चार लोगों के लिए मुखातिबत करता है, एक उम्मी, एक फिलासफर, एक आरिफ और एक आलिम। ये भी आवाज़ें आ रही थी कि ठहरो ठहरो, रूम में डाल के इनको मारेंगे, और ये भी लोग बोल रहे थे कि इनको रूम में लेके ख़त्म ही कर देना, इनके पास सवाब, इनके पास हमें मारना सवाब समझते हैं, कि इस तरह के ये काम करते हैं। तो हम हुकूमत से ये कहते हैं कि इनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले और हमें इंसाफ दिलाए, और ये लोग जो हमारे पर जुल्म करते हैं मीडिया के ज़रिए हो या लिटरेचर के ज़रिए हो, लोगों में वर्गलाना, नौजवानों को हमारे खिलाफ़ तैयार करना, और इसी तरह हम सिटी में शहर में फिरते रहते हैं, इनके लिटरेचर से, इनके वीडियो से मुसलमान नौजवान बच्चे जोश में आ रहे हैं हमारे खिलाफ़। हमें जान का धोखा नज़र आता है, कहां पर कौन किधर मारे हमें समझ में नहीं आता। लिहाजा हुकूमत से हमारी ये अपील है, फेसबुक वाले फेसबुक पे किस केसबुक हाँ। कंप्लेंट करें आप जी, कंप्लेंट किए हैं पुलिस स्टेशन में, कंप्लेंट हुआ है, FIR दर्ज हुआ है, अभी तक पुलिस वाले तो किसी को बुलाए नहीं, उन लोगों को बुलाए या नहीं बुलाए वो भी नहीं मालूम, पहचान कराने के लिए भी हमको नहीं बुलाए। लिहाजा हम ये कहते हैं हुकूमत से जल्द एक्शन ले और हमें सिक्योरिटी दे, और ये लोग जो बच्चों को वर्गलाते हैं वीडियोस बना के या कुछ भी लिटरेचर छाप के हमारे खिलाफ, उस चीज़ को रोके, ताकि नौजवान बच्चे शहर के हो या बाहर के हो हमारे खिलाफ ना हो, बस इतना कहता हूँ। इन्ना लहू लहाफिज़ून, अल्लाह ने नाजिल किया है जिक्र और अल्लाह इसका मुहाफिज़ है। और ये लोग कहते हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ है ख़त्मे नबूवत वाले, ख़त्मे नबूवत की हिफाजत इनो करेंगे, अरे अल्लाह हिफाजत करने वाला है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा वो इन्ना लहू लहाफिज़ून, अल्लाह महाफिज़ है। तहफ़्फ़ुज़ है ख़त्मे नबूवत, ये नाम में शिर्क नज़र आता है। अल्लाह जब नबी व नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला है, महाफिज़ है, तो ये लोग कौन होते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्मे नबूवत को तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, अल्लाह के काम को ये लोग लेके बैठे ऐसा नज़र आता है। तो बहरकैफ़ वहाँ पर उसके बाद हमारे चंद लोग आए, रास्ते से जा रहे थे, देखे और उसके बाद आए, आगे एक पांच छह लोग थे, वहाँ से है ना निकाले, बाहर निकाले, वहाँ पर भी निकलने नहीं दे रहे थे वो लोग, ढकलम ढुकली हुई आवाज़, पुकारा, गाली गलौज, ये सब हमारे साथ हुआ। उसमें बाहर निकाले, निकाल के रोड के पास आए,
और वहाँ पर भी है ना आवाज पुकारा हुआ वो हुआ, उसके बाद वहाँ से एक जने ऑटो में बिठा के हमारे वहाँ से लेके निकले बर गए हम, और उसमें से अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड के शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल CDMA फोन एंड एडिशनल एक्सेसरी दस्तियाब। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।